अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का आखिर मकदम है। पहले कोप्पड़ की एक खबर पर नजर डालते हैं, फिर मुकामी खबरों का तबसरा भी करते हैं। भाजपा हुकूमत में कुछ पुलिस वालों को अपनी वर्दी का शायद ख्याल न रहा हो, क्योंकि अभी कांग्रेस हुकूमत आई है और भाजपा की हिंदुत्व हुकूमत की जगह एक सेक्युलर हुकूमत इख्तदार में है। कभी कभी इंतजामिया शायद भूल जाती होगी, कोप्पड़ में मस्जिद के सामने से गणेश का जुलूस निकाला जा रहा था, तो पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद के सामने गणेश की पूजा पाठ की गई। लिहाजा अपने फराइज को ठीक से अंजाम न देने और लापरवाही बरतने पर 3 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। जिला SP यशोदा वंटगोड़ी ने गंगावती सिटी पुलिस स्टेशन से जुड़े इंस्पेक्टर अधिवेश गड़ी कोप्पा, PSI कामन्ना और हेड कांस्टेबल मरियप्पा होसमनी को मस्जिद के सामने पूजा करने पर सस्पेंड करने का हुक्म दिया गया। मस्जिद के सामने पुलिस की मौजूदगी में गणेश की पूजा का मामला माहौल को तशद्दुद में तब्दील होने की वजह बना। मुस्लिम समाज ने नाराजगी का इजहार करते हुए मामले की जांच की मांग की। कोप्पड़ में भाजपा हिंदुत्व तंजीमों के अफरादों की जानिब से 30 तारीख को मस्जिद के सामने नारे लगाए गए और पूजा भी की गई। मस्जिद के सामने नारे लगाने वाले नौजवानों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वक्त भी पुलिस खामोश रही है और इसी के मद्देनजर 4 पुलिस वालों पर मामला दर्ज भी किया गया। 3 अक्टूबर को फिर से इसी तरह मामले को दोहराया गया, जिस पर मुस्लिम समाज की जानिब से सख्त एहतजाज किया गया। जब बात आगे बढ़ी तो 3 पुलिस वालों पर कार्रवाई करनी पड़ी। पर सवाल तो यहाँ भी उठना लाजिम हो जाता है कि क्या बार बार एतराजात दर्ज करने पर ही सस्पेंड किया जाएगा, यानी कार्रवाई होगी? क्या आज भी भाजपा की हुकूमत का नशा इंतजामिया के जहन से नहीं निकला है? आखिर मस्जिद के सामने पूजा की इजाजत देने की हिम्मत पुलिस अफसरान ने किसके कहने पर दी? इस मामले को महज 3 पुलिस वालों को सस्पेंड करने तक ही न लिया जाए। यकीनन वजीर आला सिद्धरामैया ने बेलगाम में कहा था कि जो भी मजहबी तशद्दुद फैलाने की कोशिश करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यकीनन कुछ हद तक फिरका परस्त तंजीमें इनके अपराध कांग्रेस की हुकूमत में मजबूरी में खामोश भी नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कभी प्रमोद मुतालिक, कभी बजरंग दल, कभी RSS, कभी कोई और, कभी भाजपा का लीडर कुछ ना कुछ बयानबाजी करता ही रहता है। बीजापुर से आकर यत्नार भी यहाँ पर भड़काऊ बयान देता रहता है। इन पर सख्ती से कब निपटा जाएगा, यही सवाल आवाम की जानिब से बार बार किया जा रहा है। प्रमोद मुतालिक बेवजह भड़काऊ बयान देकर घटिया मकबूलियत हासिल करने की उसे पहले से ही आदत है और वो फिराक में भी इसी के रहता है। मस्जिद में गणपति बिठाने की धमकी देते हुए अंजुमन हुबली को दहशतगर्द तंजीम कहता है। अगर वाकई कांग्रेस सेक्युलर होने का दावा करती है तो मुतालिक सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? कोप्पड़ की वारदात को इत्मीनान बख्श भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आज भी कुछ लोग वर्दी पहनकर बजरंग दल का किरदार निभा रहे हैं, ये सच्चाई है। और कोप्पड़ में मस्जिद के सामने पूजा पाठ करने की इजाजत देना और लापरवाही जानबूझकर बरतते हुए फिरका परस्तों को मुसलमानों के खिलाफ काम करने पर उकसाना यकीनन सोचने पर मजबूर कर देता है। इंतजामिया पुलिस महकमा हालात पर काबू पाने के लिए होता है, पर जब इस तरह पुलिस वाले फिरका परस्त सोच फिक्र से मुतासिर हो जाते हैं तो इंतजामिया भी शक के दायरे में आना लाजिम हो जाता है। धीरे धीरे आवाम का भरोसा भी खोने लगती है। अगर कोई पुलिस वाला इस तरह जहनी सोच से मुतासिर है तो फौरी तौर पर बर्तरफ करना चाहिए, ताकि दूसरा इस तरह की हिमाकत करने की कोशिश ना कर पाएगा। इससे इतना जरूर मालूम हुआ कि आज भी भाजपा की सोच से मुतासिर इंतजामिया में आला अफसरान है, जिन पर कार्रवाई और सख्त निगरानी की जरूरत है। मुसलमानों को या जो भी सेक्युलर शहरी है, इन्हें चाहिए कि जो भी पुलिस अफसर नफरती कार्रवाइयों में मुलव्विस है, आला अफसरान के पास इसकी फरियाद करे। वहां भी कुछ मामला बनता नजर नहीं आ रहा तो सीधे मुकामी वजरात या फिर बंगलुरु जाकर वजीर आला तक बात पहुंचाए, वरना एक समाज को इसकी आदत हो सकती है। और ऐसा लग भी रहा है कि मुसलमानों ने जहनियत ही अपनी बना ली है कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, न तो लड़ेंगे, न तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे और ना ही अपना हक मांगने की कोशिश करेंगे, और जो भी होगा अल्लाह मालिक। और इसका मतलब ये भी नहीं कि बहुत ही पोख्ता भरोसा अल्लाह पर रखते हैं, इतना मजबूत ईमान है, ऐसे भी नहीं है। ये अपनी सहूलतों के हिसाब से खुदा बदलते रहते हैं। अब हाथ से कुछ नहीं होता तो अल्लाह की मर्जी कहेगा, वरना तो गैरों की चौकट पर माथा रगड़ने से जरा बराबर भी देर नहीं लगता। जब मुल्क का संविधान है, जमहूरियत है, अपने आप को सेक्युलर कहने वाली कांग्रेस हुकूमत में है, तो बजाय जुल्म जबर ज़ाती पर आवाज उठाने के ये हमारी किस्मत है कहते हुए हथियार डाल देता है। अगर 3 पुलिस वाले आवाज उठाने पर ही तो सस्पेंड हुए हैं, अगर जहां भी इस तरह की वारदात हो जाती है तो यकीनन आवाज उठानी होगी। इससे आवाम में भी भरोसा आ जाएगा और हुकूमत इंतजामी अदलिया को लेकर जो नाउम्मीदी है, फिर से एक समाज में ये उम्मीद बहाल की जा सकती है। हमेशा की तरह फिर से बात कहूंगा कि मुस्लिम समाज मुस्लिम लीडरों को, जमातों के जिम्मेदारान दीनी सियासी रहनुमाओं को महज ऊपर वाले की मर्जी क्या कर सकते हैं, सब कुछ तो उनका है कहना छोड़कर मैदान में तो उतरे, फिर इंसाफ न मिले तो अलग बात है, इतना जरूर है।
आज बेलगाम जिले में सूखे के चलते मरकजी वफद ने बेलगाम जिले का जायजा लिया। मरकजी हुकूमत का वफद 4 दिन तक रियासत के मुख्तलिफ अजलाओं का जायजा लेगा। आज बेलगाम नेसरगी इलाके में खेतों का जायजा लिया गया। इस वक्त DC नितेश पाटिल भी मौजूद थे और उन्होंने कैसे कितना नुकसान जिले में किसानों का हुआ है बताया। सलाड एंड ऑल्सो सांबर ऑल्सो देश टू मेक ए पाउडर ऑफ दिस एंड यूज टू मेक अप दिस सीड्स एंड दिस 17,000 पर केजी सर। ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 50,000 ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್। आज अर्बन डेवलपमेंट वजीर सुरेश भैरती और शहर तरक्याती वजीर रहीम खान और MLA नॉर्थ जनाब आसिफ राजू सेठ ने बेलगाम शहर में इंदिरा कैंटीन में परोसे जाने वाले खाने का जायका लिया और कहा कि इंदिरा कैंटीन बंद नहीं किया जाएगा। ನೂರು ಕೋಟಿ ಬಡವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ. ಕಳೆದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಳೆದ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಡವರಿಗೆ 25 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ, ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮೂರಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ತಿಂತಾ ಇದ್ರು. ಅಂತಹ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಹೆಸರೇ ಅವರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಇಂದ್ರಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಮಹಾನಿ ಉಕ್ಕಿನ ಮಹಿಳೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು ಅನಿಸ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಏನು ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಕಳೆದ ಸರ್ಕಾರದವರು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಪುನರುಚ್ಚರಣೆಗೊಳಿಸಿ ಮುಂಚೆಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಊಟವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. बेलगाम में तेंदुआ नहीं बल्कि एक एंटरटेनमेंट हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से अनगोल में फिर किसी जानवर के आने की आहट महसूस की जा रही है। हासिल इत्तला के मुताबिक संत मीरा स्कूल के पीछे तेंदुओं की तरह निशान पाए गए। कभी किसी जानवर ने कुत्तों को भी खाने की बात कही जा रही है। जो भी हो, लेकिन फॉरेस्ट महकमा एक बार फिर से एक्शन मोड में है। तेंदुओं के मिशन पर निकलने के आसार नजर आ रहे हैं। कितनी सच्चाई है अब तो कह नहीं सकते, लेकिन इस तरह बार बार तेंदुओं की कहानी भी अवाम के हजम कर पाएगी ये भी उतना ही अहम है। अनगोल की अवाम में लेकिन धीरे धीरे खौफ फैलता नजर आ रहा है, पर डरने की कोई बात नहीं, ऐसा भी मोकमा की जानिब से कहा जा रहा है। लेकिन ये भी बात उतनी ही सच्ची है कि रेसकोर्स मैदान से भागा हुआ तेंदुआ अब तक गायब है और अब तक कहीं भी हाथ को नहीं लगा। अब ये फिर से एक कहानी आती है तो लोग भी शक व शुबात में आ जाते, ये भी उतना ही सच है। इस बार दशहरा की छुट्टी 16 दिन मिलने वाली है। 9 से 24 अक्टूबर तक छुट्टी दी जाएगी, लेकिन टीचर्स को घर घर जाकर सर्वे की जिम्मेदारी भी दी गई है, जिससे टीचर्स में नाराजगी भी देखी जा रही है। आज अनगोल मुस्लिम जमात की जानिब से तहसीलदार और साउथ के सियासी लीडर के खिलाफ मुतालबा पेश करते हुए कहा गया कि अनगोल में मुसलमानों का कब्रिस्तान है जिस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। एडवोकेट इकबाल मुल्ला ने कहा कि मुसलमानों के कब्रिस्तान की जगह पर कब्जा करने की कोशिश सियासी लीडर कर रहा है और तहसीलदार भी इसमें शरीक होने का शक है, लिहाजा जो भी इस मामले में मुलव्वस है इन पर कार्रवाई करे वरना बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। ऐसा भी इशारा इस वक्त कब्रिस्तान कमेटी की जानिब से दिया गया। कब्रिस्तान की जगह वह बोर्ड में रजिस्टर है, ऐसा भी मुस्लिम जमात अनगोल का कहना है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। लिखा हुआ है तो तहसीलदार की इसमें बहुत बड़ी गलती है। इसमें कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए था, हियरिंग करना चाहिए था। तो हमने मेमोरेंडम के जरिए बताया पुलिस हेडक्वार्टर असिस्टेंट को कि तहसीलदार बेलगाम जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बिना वजह से जो है उन्होंने हरीडली तो जो है ऑर्डर पास करना, एंट्री करना, दूसरों के नाम चढ़ाने की कोशिश चली है। तो फौरन हमने जो इल्तिजा की, उनको दरख्वास्त ये की कि फौरन जो है तहसीलदार बेलगाम को समझना चाहिए कि ऑर्डर नहीं करना चाहिए,
फुल इंक्वायरी होना चाहिए और वक्फ को सपोर्ट होना चाहिए। तहसीलदार की ड्यूटी है कि वक्फ प्रॉपर्टीज को सेफ गार्ड करना चाहिए। अगर वो सेफ गार्ड नहीं किया तो तमाम मुसलमान जो है उसके खिलाफ धरने पे बैठने का जो है हमें उनको बताया है, और उसको फौरन सस्पेंड करना। अगर वो बराबर वक्फ की प्रॉपर्टी सेफ गार्ड नहीं किया, अपनी ड्यूटी नहीं बनाया, लीगली काम नहीं किया, तो जो है हम उसके खिलाफ जाने वाले। अनुभव मुस्लिम जमात के अध्यक्ष लियाकत अली जागीरदार मैं बोल रहा हूँ। हमारे तमाम अनुगुल के मुसलमान उस कब्रस्तान को सर्वे नंबर 47/4 के उस कब्रस्तान को बचाने के खातिर हमने तमाम जद्दोजहद करते हुए भी एक बात हमको ऐसा सुनने में आई है कि बेलगाम के डीसी तहसीलदार जो है हमारे वकील वहां पर मौजूद रहने के बावजूद, उन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल करने के बावजूद भी कहते हैं कि हम वो ऑर्डर करने ही वाले, तब जा करके हमारा शक सही में बदल गया। और हमको सबको सुबह आने के बाद हमने डीसी को मेमोरेंडम देते हुए डीसी से आजी जाना गुजारिश की है, क्योंकि बेलगाम के तमाम बेलगाम डिस्ट्रिक्ट की तमाम वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी हमारे डीसी की होती है, क्योंकि डीसी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। तो उनको हमने मेमोरेंडम आप दे करके उनको तहसीलदार को फोन करने के लिए बताया गया है, और उन्होंने हमको प्रॉमिस किया है कि हम तहसीलदार को फोन करके बताएंगे और उस ऑर्डर को रोकेंगे। अब भी उनके जो है वो बच्चे के बच्चे जो है ना, उन्होंने आके उन्होंने आरटीएस को एक पॉलिटिकल कौन तो जो है इन्फ्लुएंस लेके वहां जाके नाम चढ़ाओ बोल के बोल रहे हैं। तो उन्होंने मैं उनको बताया कि मैं ऑब्जेक्शन डाला हूँ, मेरे को हियरिंग के लिए टाइम चाहिए। तो उन्होंने बोले हियरिंग को मैं टाइम नहीं देता, तुम अगर ऑर्डर मैं ऑर्डर करने वाला आज करूंगा कल करूंगा बोल नहीं सकता, लेकिन करने वाला। तो मैं बोला कि मैं जब तक हियरिंग नहीं होता मैं तब तक ऑर्डर करने को नहीं देता, नहीं नहीं मैं करने वाला बोल के बोले। फिर मैं उनको बोल के आया हूँ कि मैं लोग समझाने वाला, और इसमें हमारे को डाउट आ रहा है कि ये ऐसा एक ही दिन में कैसा ऑर्डर करते हैं, इसके लिए हमारे को डाउट आ रहा है।